ये बात है। चलो ठीक है, मालूम है बात कर रहा हूं। कौन सा एक साथ लगा दो, एक और ब्लैक, ठीक है स्टार्ट आराम से। कैस्टिंग होती है इसमें जी, डबल 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 कैस्टिंग, जीवन में प्रकाश हो जाए। रामबन की टीम अंडर 17 में जोरी खेलेंगे डिवीजन लेवल की टूर्नामेंट कल। यहां पर कोई कोचिंग कैंप, कोई कोचिंग एकेडमी नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने डिवीजन में अपना दबदबा बना के चैंपियनशिप जीता। कल अंडर 14 की टीम गई थी क्रिकेट की, उन्होंने भी एक्स्ट्रा पोजीशन लाई है डिवीजन लेवल में। हमें चैंपियनशिप लाना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने पूरा साथ दिया। जब जब भी हमें जहां पर कोई टूर्नामेंट का आगाज करना हो, ग्राउंड लेवल ग्राउंड के लिए करना हो, उन्होंने हमारा पूरा भरपूर साथ दिया है, मेरे स्टाफ को और मेरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को। मैं आगे भी यही उम्मीद रखूंगा, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हमारे पास ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे, हम ऐसी चैंपियनशिप जीते रहे। क्योंकि जो बच्चे जैसे जोरी से आए डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट कमिश्नर, तुम्हारी जो चीफ गेस्ट हैं, मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टू दिस माउंटेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामबन। रामबन इज द लिंक बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर डिविजन। In the name of all competitors, we promise that we shall take part in the division level by the rules which govern them, committing ourselves to the true spirit of sportsmanship. Without drugs, for the glory of sports and honor our team. Thank you. Last match में वो टीम बनी है, पहला मैच 117 का जम्मू। बहुत खुशी है कि आज हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल अंडर 17 और अंडर 19 गर्ल्स के चेस टूर्नामेंट की आज यहां पर इनॉग्रेशन की। जम्मू डिवीजन के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें पुंछ और रियासी को छोड़ के बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट की टीमें हमारे पास आई हैं। पुंछ और रियासी की टीमें कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं पहुंच पाई। हमने वेन्यू इसका गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन रखा है। जैसे कि मैं बच्चों के साथ बात कर रहा था ड्यूरिंग माई इंटरेक्शन, तो मैंने उन्हें यही बताया कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो दिमाग से खेला जाता है और एक जीरो एक्सपेंडिचर स्पोर्ट है, और इसका कोलैटरल एडवांटेज उनके एकेडमिक्स पे जरूर पड़ता है क्योंकि पेशेंस के लेवल्स, कॉन्सेंट्रेशन के लेवल्स बढ़ते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स हमारे ऑफिसर धर्मवीर जी हैं और जो हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, इन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनकी लाइजनिंग और कोऑर्डिनेशन की वजह से हम रामबन में ये टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे इसके साथ साथ संसद खेल स्पर्धा के भी टूर्नामेंट्स जो हैं वो उनको भी हम प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली हम बिलावर गए थे जहाँ पर हमने एक दंगल, बिल्लो पहलवान दंगल को भी देखा और मैं बड़ा मुतासिर हुआ वहाँ के जो मैंने यंग रेसलर्स देखे, उनका एंथुजियाज्म देखा। मैंने ऑलरेडी धर्म जी से ये डिस्कस किया है कि हम अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक दंगल का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत जल्द। उसकी कोऑर्डिनेशन हमने शुरू कर दी है जिसमें अच्छा खासा प्राइज मनी भी अंडर CSR हम अनाउंस करेंगे। हमारी कोशिश है कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान बढ़ाया जाए ताकि वो ड्रग्स की लत से बचें। ड्रग्स का जो चैलेंज हमारे पैन यूटी में आ रहा है, टचवुड भी रामबन डिस्ट्रिक्ट इससे बचा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी लानत है, ऐसा एक वाइस है सोसाइटी में जो कभी भी फैल सकता है। तो ड्रग्स से बच्चों को बचाने के लिए और अपने स्पोर्ट्स को नशा मुक्त
जेके और भारत अभियान के साथ जोड़ने के लिए हम अपनी पूरी जो है वो कोशिशें जारी रखेंगे। रामबन के इस ग्राउंड के लिए भी हमने काफी प्लान्स बनाए हैं, बास्केटबॉल कोर्ट के हवाले से, बैडमिंटन कोर्ट के हवाले से और बाकी जो इंडोर स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, उसके लिए हम तमाम प्ले फील्ड्स को जो है उस लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो है वो कटिंग एज लेवल पे जो है वो कम्पीट कर सकें।